मैं बना रही हूँ दाल और पालक। इसके लिए मैंने ली है चने की दाल, और पालक को मैंने काट के अच्छी तरह वॉश करके इस तरह से ले लिया है। और दो टमाटर लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर दिया है, दो बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, और एक बड़ा प्याज लिया है उसको मैंने इस तरह काट दिया है। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। मैं ये सब्जी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कुकर रखा है। कुकर में अब मैं ऑयल डालूंगी सब्जी के लिए। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हल्का पिंच होने तक भूनेंगे। अब मैं प्याज के साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल देता। अब दोनों को हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। ये हमारा प्याज और लहसुन अब हल्का पिंक हो चुका है। अब इस गैस को स्लो कर देंगे और इसमें अब पालक डालेंगे। पालक डाल के गैस को तेज कर देंगे और भूनेंगे उसको। अब इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। पालक को थोड़ी देर भूनना है। पालक हमारा भून चुका है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे वो डालेंगे। अब इसके साथ इसमें मसाले भी डालेंगे। मसालों में मैं आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी दो इसमें डाली है, और थोड़ी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, एक डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, सब्जी के बनने के बाद डालेंगे। अभी टमाटर और मसाले थोड़े पक चुके हैं, अब इसमें हम दाल डालेंगे जो हमने दो घंटा पहले भिगा के रखी थी। इस सब्जी में आपको चने की दाल को भिगोना जरूरी है।
सब इसे मिक्स करके इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने एक गिलास के करीब पानी लिया है। अब इसे हम 7-8 सीटी आने तक पकाएंगे। बंद कर देते हैं, 7-8 सीटी आने तक पकाएंगे। 7-8 सीटी लगने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और अभी हमारा कुकर भी खुल चुका है। अब चेक करते हैं इसमें दाल। दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पालक को और दाल को ऐसी मथनी से मिक्स करना है। इसे हैंड ब्लेंडर से ना करें, हैंड ब्लेंडर से करने से वो बिल्कुल ही मैश हो जाएगी। इस तरह की मथनी हो या वो हाथ वाला आपके पास हो मिक्स करने वाला, उससे मिक्स करें। दाल और पालक को मथनी से अच्छी से मत लेंगे। अभी ये मत चुकी है हमारे दाल पालक। इस तरह का टेक्सचर रखना है हमें, बिल्कुल मैश नहीं करना दाल को, बस इस तरह का टेक्सचर। अभी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। जी तैयार हो गई हमारी दाल पालक। ये आप चावल, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।